स्वागत है आपका अपने न्यूज स्टेशन में। मैं हूँ खुर्शीद आलम। आज मुहर्रम मुहर्रम की 9वीं तारीख है और 9वीं तारीख को सुबह जो है 8 बजे आसार शरीफ से ये अलम जो है वापसी हो रही है, आलम की वापसी हो रही है। और यहाँ पर सबसे बड़े आलम जो है हुसैनी आलम का ये निशानी है और इसके पीछे जो है हमारा इमाम है और हैदरी आलम है, अब्बास अली है। ये चारों जो नेजे हैं जो सुबह 8 बजे आसार शरीफ से इनकी वापसी भी है और तकरीबन 6 और 7 के दरमियान ये जो है काली मस्जिद आशूर खाने में बैठेंगे और चाहने वालों का और गुलामों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है और बारिश भी जमकर हो रही है। इसी बारिश में जो है इमाम हुसैन आली मकाम के चाहने वाले उनके शुदाई हो या उनके चाहने वालों की तादाद में कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। Thank you.
आपने देखा कि ये ताजिए जो है जुलूस की शक्ल में आसर शरीफ से होते हुए अब काली मस्जिद इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो आशुरखाना है काली मस्जिद वहाँ पर तकरीबन मगरिब के करीब करीब ये जो आलम है वो बैठेंगे और उसके इसके सामने जो 12 इमाम हैं वो भी उनके बाद जो है वो बैठेंगे, उसके बाद हैदरी आलम और अब्बास अली जो है हकीम चौक तक ये उनका जुलूस होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आशिकाने इमाम हुसैन जो कोई भी बारिश हो रही है लेकिन बारिश होने के सबब कोई कमी नज़र नहीं आ रही है, आशिकों की कमी नज़र नहीं आ रही है, बच्चे हो बूढ़े हो महिलाएं हो तकरीबन आकर इनकी ज़ियारत कर रहे हैं। कैमरामैन सुपियान के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर। अब देखिए देश की वो न्यूज़ जो आपसे छुपाई जाती है, अब भारत का सच आपके सामने हम लाए हैं। इन छुपी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे नए चैनल द रियल फेस को अभी सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देखते रहिए।